अक्टूबर का महीना है, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश, ये सामान्य है क्या? इसी को समझने के लिए इस वक्त हम मौसम विभाग में पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आइए से उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से कल दिल्ली NCR में बारिश हुई, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, ये सामान्य कितना है? हाँ, ये सामान्य है हमारे पास। देखिए, जो अक्टूबर का महीना होता है उसमें 1 से 2 वेस्टर्न डिस्टरबेंस का प्रभाव हमारे पास रहता है, और ये जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है इसका प्रभाव 15 तारीख से पहाड़ी राज्यों में और 16 तारीख में मुख्यतः मैदानी राज्यों में रहा था। इसका हमने पहले से ही पूर्वानुमान दिया हुआ था, और तो उसके चलते देखेंगे कि कल थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग और रेनफॉल एक्टिविटी जो लाइट कैटेगरी की थी वो दिल्ली NCR में हुई है, और बाकी अगर आप पहाड़ी राज्यों में देखेंगे तो हैवी रेनफॉल के भी इंसिडेंट्स हमारे पास रिपोर्ट किए गए हैं और पहाड़ों पे बर्फबारी भी रिपोर्ट की गई है। तो ये जो इस तरह के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं वो हमारे पास पोस्ट मानसून सीजन में आते हैं और अक्टूबर के महीने में 2 तक रहते हैं, 1 से 2 तक रहते हैं। तो फिलहाल एक पहला आ गया है और उसके चलते ये एक्टिविटी हुई है। जी, क्योंकि आपने दो बातें कही, एक कहा कि पश्चिमी विक्षोभ था और दूसरा पोस्ट मानसून है ये, तो ऐसे में ये समझना चाहूंगी कि चूंकि अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर में इस तरीके की बर्फबारी होती है और बारिश होती है, तो ये कयास लगाए जाते हैं कि क्या ठंड जो है वो जल्दी आएगी और ज्यादा इस बार ठंड पड़ेगी? देखिए, अभी उसके लिए बहुत जल्दी कह पाना बहुत जल्दी है, लेकिन चूंकि जब भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस आता है तो उसके एसोसिएटेड में पहाड़ों में हमारे पास देखेंगे कि बर्फबारी भी होती है और क्लाउडीनेस रहता है, रेनफॉल रहता है। जैसे अभी आप देखिए, जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस कल था उसका प्रभाव मुख्यतः आपके पास जम्मू कश्मीर का जो एरिया है तो वहाँ दिख रहा है, और वहाँ पर ही हमारे पास मैदान जो इलाका है वहाँ पर रेनफॉल हो रही है, साथ में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। तो जब तक ये हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा या रहता है तब तक ये एक्टिविटी रहेगी, पहाड़ों पर बर्फबारी और रेनफॉल और मैदानी इलाकों में रेनफॉल। हालांकि जो अभी देखेंगे मैदानी इलाकों में इसका प्रभाव काफ़ी कम हो चुका है, सिर्फ क्लाउडीनेस ही है, और जो पहाड़ी इलाकों में है तो उसका प्रभाव भी आज के बाद हमारे पास कम हो जाएगा। मानसून से क्या एक्सटेंडेड रहा है क्या? जो पोस्ट मानसून ये है तो अक्टूबर में ये दिख रहा है, क्या ये प्रोलॉन्ग्ड रहा है? देखिए, जो मानसून सीजन है हमारे पास 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक रहता है, तो इस बार देखेंगे कि दिल्ली में जो है अमूमन 25 सितंबर के आसपास विड्रॉल हो जाता है, लेकिन इस बार 3 से 4 दिन डिले के बाद हमारे पास हुआ है। जब मानसून सीजन ख़त्म हो जाता है उसके बाद पोस्ट मानसून सीजन होता है जो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होता है, तो फिलहाल 3 से 4 दिन का ही हमारे पास डिले से विड्रॉल हुआ था, जी, तो उतना ही आप बोल सकते हैं तो प्रोलॉन्ग अभी है। अगर एक हफ्ते का अनुमान लगाया जा सके तो एक हफ्ते में किस तरीके का मौसम रहने वाला है? क्या इसी तरीके का मौसम रहेगा? क्या बारिश होगी और क्या तापमान में गिरावट होगी? देखिए, जहाँ तक एक हफ्ते की बात करते हैं तो आज के दिन हमारे पास पहाड़ों पे बर्फबारी और रेनफॉल एक्टिविटी होगी, और जहाँ तक मैदानी इलाकों की बात है तो मैदानी इलाकों में मुख्यतः बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर दिल्ली NCR को भी मिलाते हुए ड्रिजल टाइप की एक्टिविटी हो सकती है। तो मेजर जो स्पेल था मैदानी इलाकों के लिए वो खत्म हो चुका है, पहाड़ों के लिए चल रहा है, और कल से वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फर्दर आगे मूव कर जाएगा तो रेनफॉल एक्टिविटी में और इसमें काफ़ी कमी आएगी। और जहाँ तक कि अगर दिल्ली NCR में टेम्परेचर की बात करते हैं या मैदानी इलाकों में, तो टेम्परेचर में लगभग 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट मैदानी इलाकों में हुई है, और ये इसी लेवल का टेम्परेचर लगभग 2 से 3 दिन तक हमारे पास बना रहेगा। तो अधिकतम हम कह ताप सकते हैं सर, ठंड की आहट अब आने लगी है? देखिए थोड़ी सी तो अभी आपको इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में चलते फीलिंग हो रही है, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद जब इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा तो तापमान में हल्की सी वृद्धि फिर से होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया News24 से बात करने के लिए। तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने समझाया कि इस वक्त मानसून किस तरीके का है, मौसम किस तरीके का है, आने वाले दिनों में किस तरीके का रहने वाला है, ये जाहिर तौर पर ये दर्शाता है कि चूंकि अब ठंड के मौसम की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसे में तापमान में तो गिरावट होगी, लेकिन अभी प्रभाव जो है वो पश्चिमी विक्षोभ का है। कैमरा पर्सन भरत रावत के साथ पल्लवी झा, दिल्ली News24।